अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट देख रहे थे। आइए सबसे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे, और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे सो द इफेक्ट ऑफ ओएच ग्रुप, यहां पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है फिनॉल। फिनॉल में ओएच ग्रुप बॉन्डेड है, तो बेंजीन में रिजोनेंस यहां पे पॉसिबल है। उस केस में ये ओएच ग्रुप का जो ऑक्सीजनेट है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसका जो इफेक्ट होगा वो प्लस एन इफेक्ट होगा। और फिर से हम लोग देखते हैं फिनॉल को, यहां पे ये बेंजीन से ओएच ग्रुप बॉन्डेड है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, और इस केस में ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे इसका माइनस आई इफेक्ट यहां पे काम कर रहा है। तो यहां पे ओएच ग्रुप के केस में प्लस एन एंड माइनस आई इफेक्ट दोनों अप्लीकेबल है, बट मेजोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस इफेक्ट सुपीरियर होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो ओएच ग्रुप प्लस एन इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एन इफेक्ट सुपीरियर होगा ओएच ग्रुप का। कहां पे फिनॉल, ये बेंजीन के साथ जब ओएच जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा, यहां पे प्लस एन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग बोलेंगे इन दिस केस OH ग्रुप शो प्लस एन एंड माइनस एम इफेक्ट, प्लस एम एंड माइनस आई इफेक्ट, बट प्लस एम इफेक्ट इज सुपीरियर देन माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इसलिए इस केस में ये जो फिनॉल है, फिनॉल के केस में हमारा सबसे बेस्ट, अगर हम लोग से ये पूछा जाए कि यहां से ओएच ग्रुप का क्या है इफेक्ट, तो हम लोग हमेशा प्लस इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट नहीं बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे, अगर इस तरह के एग्जांपल्स ले लिया जाए, अगर हमारे पास ये साइक्लो कंपाउंड है जिसको हम लोग साइक्लो एक्सेंट बोलते हैं, और इससे ओएस ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ओएस ग्रुप अब यहां पे कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यहां पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है मॉलिक्यूल में। अगर रिजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट यहां पर काम नहीं करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, और यहां पे ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है वो ऑक्सीजन का इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट। यहां पे माइनस आई इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पे केवल और केवल फिनॉल के केस में ओएच ग्रुप माइनस आई इफेक्ट और प्लस इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस करता था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें यहां पे ओएच ग्रुप केवल माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से कुछ और छोटे से एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यहां पे अगर ये क्वेश्चन किया जाए, सो द इफेक्ट ऑफ माइनस एम इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे ए एग्जांपल्स पे लेते हैं क्लोरीन, और बी एग्जांपल्स पे लेते हैं NO2।
किसका माइनस आई माइनस एयर इफेक्ट ज्यादा होगा जब बेंजीन से बेंजीन में रिजोनेंस होता है, मिजोमेरिक इफेक्ट होता है, जब क्लोरीन बॉन्डेड होगा तो क्लोरीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन में अगर रिजोनेंस होगा तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहां पे जो क्लोरीन का इफेक्ट है वो प्लस एम इफेक्ट है। कि यहां पे बेंजीन के साथ जब एनओ टू बॉन्डेड होगा, एनओ टू यहां पे बॉन्डेड होगा तो एनओ टू ग्रुप के अंदर रिजोनेंस होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहां पे एनओ टू ग्रुप का जो इफेक्ट है वो माइनस एम इफेक्ट है, इसलिए यहां पे अगर हम माइनस एम इफेक्ट ए कॉर्डिली आंसर करते हैं तो माइनस एम इफेक्ट ए कॉर्डिली बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये हम क्वेश्चन प्लस एम इफेक्ट के अकॉर्डिंगली बनाते तो ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह से हम लोग का आंसर होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। यहां पे हम लोग बात करेंगे प्लस प्लस एम इफेक्ट के, तो अगर हम ये एग्जांपल थे CF3 और दूसरा एग्जांपल्स थे CH3, तो इस केस में कार्बन के पास थ्री फ्लोरीन एटम है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब ये माइनस एम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग का जो आंसर है वो प्लस एम इफेक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बी इज ग्रेटर देन। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात हम लोग करने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट की बात किए थे। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वहां पे काम करता है जहां पे मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में ये काम करता है, जबकि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड में काम करता है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, वो सेल्फ गोइंग प्रोसेस है, परमानेंट इफेक्ट है, वो कॉन्टिन्यू मॉलिक्यूल में होते रहते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, यहां पे हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर यहां पे एक छोटा सा रिएक्शन देखते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहां पे ये X प्लस कॉम्पोनेंट है, ये जो X प्लस है ये हम लोग का रिएजेंट है, तो इसके प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके प्रेजेंस में इसके अपीयरेंस के कारण अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। यहां पे प्लस चार्ज है, ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, अभी नेगेटिव चार्ज नहीं है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में डीलोकलाइज्ड हो तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पे ये अटैक करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सी एच टू प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच टू एक्स, अगर ये एक्स प्लस रिमूव, अगर एक्स प्लस को हम हटा दें तो ये इफेक्ट जो है वो पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगा, तो ये इफेक्ट जो है वो टेम्पोररी इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट है, क्योंकि यहां पे रिएजेंट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा और अगर रिएजेंट नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो इस तरह से दो तरह का बच्चा होता है,
एक बच्चा जो गार्जियन के प्रेजेंस में पढ़ता है और गार्जियन नहीं रहता है तो वो पढ़ाई नहीं करता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो टेम्प्रोरी है, जो स्टडी कर रहा है वो टेम्प्रोरी है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरह। और एक ऐसा बच्चा है जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आइडियल स्टूडेंट है और वो कॉन्टिन्यू पढ़ाई लिखाई करता है, तो गार्जियन रहे या नहीं रहे उसका पढ़ाई कॉन्टिन्यू होते रहेगा, तो उस केस में वो इफेक्ट जो है वो परमानेंट है, उसी को रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे और बोलेंगे अ टाइप ऑफ सबस्टिट्यूएंट इफेक्ट इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये इफेक्ट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में लगता है। दिस इफेक्ट डिसअपीयर आफ्टर रिमूवल ऑफ रिएजेंट, सो इट इज अ टाइप ऑफ टेम्प्रोरी इफेक्ट। ये टेम्प्रोरी इफेक्ट है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक तरह का टेम्प्रोरी इफेक्ट है, और ये रिएजेंट के डिसअपीयरेंस में ये पॉसिबल नहीं है। ये इफेक्ट कहां पे काम करता है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। दिस इफेक्ट अपीयर इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जैसे एज फॉर एग्जाम्पल्स एल्कीन एंड एल्काइन। ये इफेक्ट जो है वो एल्कीन और एल्काइन में काम करता है। तो हम बात करेंगे ये कितने तरह का होता है। ये इफेक्ट दो तरह का होता है। यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू टाइप्स का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। सारे इफेक्ट जो भी हम लोग देखे प्लस माइनस, तो पहला जो है ये हम लोग बोलेंगे प्लस ए इफेक्ट, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलेंगे माइनस ए इफेक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे प्लस ए इफेक्ट के बारे में। प्लस ए इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और स्टूडेंट भी उधर ही देख रहा है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को सारी बात समझ में आएंगे, सारी कंसेप्ट को वो इजिली समझ लेगा, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पे प्लस इफेक्ट में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, कहां पे? इनसाइड द रिएजेंट, इनसाइड द अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अगर उसी डायरेक्शन में रिएजेंट अटैक करता है तो इसको हम लोग प्लस ए इफेक्ट बोलते हैं। हम लोग क्या बोले, हम लोग अभी बात किए कि अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में रिएजेंट भी अटैक कर रहा है तो उसको हम लोग प्लस ए इफेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे हम लोग बात किए H+। इस कार्बन एटम को अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा,
और इसी कार्बोनेटर पे ये रिएजेंट अटैक किया और इसके साथ ये जुड़ गया। तो यहां पे CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये इफेक्ट जो है उस इफेक्ट को हम प्लस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन एटम को पाई इलेक्ट्रॉन दिया गया और इसी कार्बन एटम पे रिएजेंट अटैक किया, तो ये प्लस इफेक्ट है। तो हम लोग बोलेंगे इन प्लस इफेक्ट द रिएजेंट अटैक इन सेम डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम माइनस इफेक्ट की बात करें तो माइनस इफेक्ट में रिवर्स होता है। यहां पे ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है और यहां पे अगर एक कंपोनेंट एक्स माइनस हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के रिस्पेक्ट में, अगर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस होगा ही क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहां पे प्लस। तो ये जो रिएजेंट है ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो इस तरह से ये कार्बन एटम से जुड़ेगा और यहां पे ओ माइनस। इस इफेक्ट में क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ हो रहा था जबकि रिएजेंट कार्बन एटम पे अटैक किया, तो जिस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो ऐसा इफेक्ट जो है वो माइनस सी इफेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग ये बोलेंगे इन माइनस इफेक्ट द रिएजेंट अटैक इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इस तरह से माइनस ई इफेक्ट की बात कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल्स हम लोग का, उसमें अगर ये बात करें कि माइनस ई इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है और प्लस ई इफेक्ट, तो प्लस ई इफेक्ट जो है वो एल्कीन एंड एल्काइन में एप्लीकेबल है, एल्कीन एंड एल्काइन में, और माइनस इफेक्ट कहाँ पे है, इन हेट्रोएटॉमिक अनसैचुरेटेड स्पीसीज। जैसे यहां पे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट एटम है, दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के केस में ये माइनस सी इफेक्ट एप्लीकेबल है। तो इस तरह से हम लोग अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात की है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैटिक इफेक्ट की बात करेंगे और हम लोग का सबस्टिट्यूशन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।